Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel, Rigorous Mathematics. Please subscribe the channel for latest topological and algebraic analytical kind of videos, for any possible kind of mathematical videos or lecture series topology ki hamari chal rahi hai, usko hum continue karte hain. Channel ko zarur subscribe karein aur comment section mein batayein ki kin topics ke andar aapko kya queries hain, wahan discussion kar sakte hain. Okay, close set ko hum revise karte hain aur ek theorem iska proof karenge. क्लोज सेट क्या है कि अगर x का कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है तो वो क्लोज्ड कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो. बहुत ही मशहूर फिक्रा होता है कि क्लोज सेट कौन सा होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो. तो साबित क्या करना है कि x और phi दोनों क्लोज हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स जो हैं उनकी यूनियन क्लोज है और एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स जो हैं उनकी इंटरसेक्शन क्लोज है. अगर आपको याद हो तो ओपननेस के केस में ये चीज ऑपोजिट होती है. यूनियन के केस में एनी नंबर होता है और इंटरसेक्शन के केस में फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं. तो यहां उसके ऑपोजिट बात होगी. तो हम इसका प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट का. ओके, प्रूफ वन को प्रूफ करते हैं. एज एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव, और हमने प्रूव, हम जानते हैं कि फाई टोपोलॉजी का मेंबर होता है, ठीक है, तो वो ओपन होता है. तो एक्स एक ऐसा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब है एक्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, दैट इज फाई इज, सॉरी, क्या हमने बताना है कि ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो वो खुद क्लोज होता है. तो यानी कि यहां से क्या प्रूव हुआ कि x क्लोज हो गया, क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट फाई है और फाई एक ओपन सेट है, तो पता चला कि x जो है वो क्लोज है. इसी पैटर्न पर हम देखते हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली x में से फाई निकालना है और x कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, x में से x को निकालना है. तो x में से फाई निकाला तो वापस x आ गया, एंड और हम जानते हैं कि x इज ओपन क्योंकि x टॉप का एलिमेंट है, इस वजह से ओपन है. तो फाई एक ऐसा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब फाई क्या हो गया, फाई इज क्लोज्ड. अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, सॉरी जो थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करते हैं. वेरीफाई तो उस चीज को किया जाता है जो वेल प्रूव्ड हो और किसी सर्टन सेटअप में उसको वेरीफाई करना हो. सेकंड में क्या था, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट. तो हम एक कलेक्शन ले लेते हैं, लेट ए वन ए टू अप टू ए एन बी अ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन एक्स. एक्स का जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक कलेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स ले ली, ठीक है. वी आर फाइनाइट, यहां पे आई थिंक सब कवर्ड को इतना खास नहीं माने रखता, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स टू प्रूव. प्रूफ क्या करेंगे कि इनकी जो यूनियन है वो भी क्लोज है, ठीक हो गया. फॉर दिस वी प्रूव, इसको हम लिख देते हैं, फॉर दिस वी प्रूव, ये क्लोज कब होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा. और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिमार्कस लॉ अप्लाई करें, फॉर दिस वी प्रूव दिस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन एक्स. अब हमें पता है कि ए वन ए टू अप टू ए एन is collection of closed sets in X. ये X के closed sets की collection है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर इन sets के complements की collection बनाई जाए तो क्योंकि ये बजाते खुद close हैं तो ये जो collection बनेगी, क्योंकि ये complements की collection है तो ये ओपन इज कलेक्शन ऑफ, तो ये ओपन सेट्स इन एक्स की कलेक्शन बन जाएगी,
is a collection of open sets in X. ओके और हम एक बात जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक हो गया। अब ये सारे ओपन है और फाइनाइटली मैनी है, तो इस लिहाज से क्योंकि हम जानते हैं तीसरी कंडीशन टोपोलॉजी की ए आई कॉम्प्लीमेंट आई वेरीज फ्रॉम वन टू वन, इट इंप्लाइज इज ओपन इन एक्स। ये एक्स के अंदर क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये चीज किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इट इंप्लाइज यूनियन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन ए आई होल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, सॉरी ये ओपन है क्योंकि उसी के बराबर है ना, इज ओपन इन एक्स। और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है वो सेट खुद क्लोज हो जाता है बाय डेफिनेशन, इज क्लोज्ड इन एक्स। तो ये सेकंड स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया। थर्ड वन को देखते हैं अब हम। थर्ड वन में क्या करना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। वहां क्या था, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक हो गया। तो एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेते हैं और देखें आर्बिट्रेरी में मैं इंडेक्सिंग सेट को रफ रख, मतलब उसको वेग रखता हूं, उसको मैं डिफाइन नहीं करता कि वो ऐसा है या वैसा है, वो कुछ भी हो सकता है। बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन एक्स। टारगेट क्या है कि इन सब की जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ओवर आई बिलोंग्स टू आई, ये भी क्या है, इज क्लोज्ड इन एक्स। इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। फॉर दिस वी विल प्रूव दैट, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि यूनियन अगर आई बिलोंग्स टू आई और ए आई की इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स की यूनियन बनेगी, ये ओपन है एक्स के अंदर। ओके, इसको एक्स के अंदर हमने ओपन साबित कर देना है। तो देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वी प्रूव दैट दिस इज ओपन इन एक्स। ओके, अब हमने एक आर्बिट्ररी कलेक्शन ली हुई है क्लोज सेट्स की, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स की जो कलेक्शन होगी वो क्या बनेगी, वो ओपन सेट्स की एक कलेक्शन होगी। नाउ दिस इज एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स, और ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन की यूनियन वापस ओपन होती है बिकॉज टोपोलॉजी की सेकेंड एक्सियम है, इट इंप्लाइज यूनियन ए आई आई बिलोंग्स टू आई इज ओपन इन एक्स, यानी ये टाउ से बिलोंग करेगी। ये ओपन इन एक्स है और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई ए आई होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन एक्स। जब एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है तो वो बताते खुद क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, वो बजाते खुद क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई ए आई इज क्लोज्ड इन एक्स, सो प्रूव्ड। तो सारे थ्योरम हमने, सॉरी थ्योरम की तीनों स्टेटमेंट्स हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो यानी x और phi ओपन भी हैं और x और phi क्लोज भी हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड एंड इंटरसेक्शन ऑफ finite number of open sets is open, union of any number of open sets is open, but intersection of only finite number of open sets is open. Thank you.